तो ये भी इन्होंने इसको शर्ट पहना दी और आती इसकी। हे गाइस, मेरा नाम है अभिनव एंड आज हम लोग आए हैं बुल्लास किचन में। खामला स्क्वायर पे ये जगह है एंड ये मेरी पर्सनल फेवरेट जगह है फॉर मुगलाई पराठा। तो आपको आज दिखाते हैं यहाँ पे मुगलाई पराठा कैसे बनता है और खा के बताता हूँ कि कितना टेस्टी है। मैं तो पहले भी बहुत बार खा चुका हूँ बट आज हम लोग यूट्यूब के लिए शूट कर रहे हैं प्रॉपर, तो आपको दिखाते हैं कि कैसा बनता है। आप देखोगे तो आपको खुद ही समझ जाएगा कि क्या लेजेंडरी चीज़ बनने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज अभी शुरुआत हो रही है हमारे स्पेशल चिकन चीज मुगलाई पराठा की। बस आप देखते जाओ कि ये कैसे बनता है, आपको मजा आने वाली है आज। देख सकते हो गाइस, इनको इन्होंने ऐसे सर्कल बना दिया है। अभी इसका एक ऐसा बनेगा आपको लगेगा कि मुगलाई पराठा ने शर्ट पहनी है। तो ये भी इन्होंने इसको शर्ट पहना दी है ना, ऐसा लग रहा है ना शर्ट है। ये ऊपर जा रहा है एग का मिक्सचर। ये क्या डाल रहे भैया? चीज ये बहुत रहे अमूल चीज। अमूल चीज, तो गाइस अमूल का चीज डल रहा है इसमें बहुत ही जोरदार। तो जो भी चीज लवर है उनको तो बहुत बताने वाली है। ये तैयार हो रहा है हमारा अंडा और चिकन का मिक्सचर, बहुत बढ़िया। ये गया इसमें हमारा अंडे और चिकन का मिक्सचर। ये बोनलेस चिकन रहता है, इसको ग्रेवी में बनाया जाता है और फिर इसमें डालते हैं इसको अंडे के मिक्सचर में, इसको स्प्रेड कर रहे हैं। बहुत ही जोरदार लग रहा है गाइस, अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब आप खाएंगे तो क्या ही मजे आने वाले हैं। बन गया एक पॉकेट। अब ये होने वाला है फ्राई। तो गाइस इसी तरह बनता है हमारा मुगलाई पराठा। अब ये फ्राई होगा, ये कितनी देर फ्राई होगा? 5 से 7 मिनट। तो गाइस ये 5 से 7 मिनट फ्राई होने वाला है। आपको अगर आप फ्राई आपको नहीं चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा हेल्दी वे में जाना है, वैसे हेल्दी तो नहीं है बट अगर थोड़ा सा हेल्दी वे में जाना है तो आप इसमें बेक वाला वर्जन भी ले सकते हो अगर आपको फ्राइड ज़्यादा पसंद नहीं है। तो गाइस ये फ्राई हो रहा है हमारा मुगलाई पराठा, बहुत ही बढ़िया। और ये भैया हमारे लिए कर रहे हैं, भैया आपका नाम? सुरेश यादव भैया। तो सुरेश भैया की स्माइल बहुत प्यारी है। और सुरेश भैया कितने साल से कर रहे हो? 16 साल से बना रहे हो, मतलब क्या एक्सपीरियंस है गाइस। तो सोचो हम लोग जो टेस्ट करने वाले हैं उसमें एक एक्सपीरियंस पर्सन हमारे लिए बना रहा है,
तो क्या ही टेस्ट होने वाला है, बहुत जोरदार। देखो गाइस ये ब्राउन हो रहा है, तो ये थोड़ा और ब्राउन होगा तब बनेगा। गाइस ये रेडी हमारा मुगलई पराठा। अब इसकी जो कटिंग होती है ना वो सबसे मेन होती है, आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा जब कटता है, क्या आवाज आती है इसकी। ओए होए होए होए, देखो तो सही गाइस क्या जोरदार दिख रहा है। बहुत बढ़िया, अभी इसको प्लेट में सर्व करेंगे। ये गाइस मुगलई पराठा बहुत बढ़िया। अभी इसके साथ जाता है आलू, मसाला आलू। अच्छा ये वाला, ये है मसाला आलू और अभी आएगी हरी चटनी। ये गाइस इसकी चटनी और थोड़ा सा इसमें डलेगा सलाद। ये गाइस डल रहा है इसमें सलाद। तो ये बन गई हमारी परफेक्ट प्लेट मुगलई पराठा की। तो गाइस हमने देखा कि अभी मुगलई पराठा कैसे बना, बहुत ही लेजेंडरी मुगलई पराठा है। मैं तो ऑलरेडी बहुत बार खा चुका हूँ बट आज YouTube के लिए मैं आपको खा के बताता हूँ। ये है मुगलई पराठा, देख सकते हो कितना ह्यूज है। ओए 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 क्या बात है। तो ये है 320 रुपये का, एंड 320 रुपये में इसमें एग है, चिकन है, चीज़ है, सब कुछ है, बहुत जोरदार है, फुली लोडेड है। ये फ्राइड है, अगर आपको इसमें बेक्ड वर्जन चाहिए तो 40 रुपीज़ ज़्यादा डाल के बेक्ड वर्जन भी मिलता है, जो फ्राइड जिसको पसंद ना हो उसके लिए। तो ये इसके साथ आपको मिलती है हरी वाली चटनी, ये प्याज मतलब सलाद वाला, और ये आलू। तो ये प्रॉपर एकदम कोलकाता स्टाइल मुगलई पराठा है, इसको मैं खा के बता दूँ आपको। मेरा पर्सनल फेवरेट है नागपुर, सबसे बेस्ट। इसके आगे कुछ चिकन लवर्स के लिए, अगर आप चिकन लवर हो ये चीज़ ट्राई करो नागपुर में, इसके बना कुछ नहीं, यही सबसे बेस्ट है। 320 का है, बुल्लास किचन खामला स्क्वायर, गूगल में आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। तो गाइस ये था वीडियो, आप अपने नॉनवेज लवर फ्रेंड्स को टैग करो नीचे कमेंट्स में या फिर शेयर करो उनके साथ, एंड और वीडियोज देखते रहो चैनल पे। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड कमेंट कर देना कैसा लगा तो मेरे को पता चलेगा, एंड सब्सक्राइब करके जाना फ्री है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।